बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाले सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सिंपल सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 बॉयल अंडे लिए हैं, 5 से 6 चम्मच मायोनीज के लिए हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक और सिंपल ब्रेड के स्लाइस लिए हैं मैंने। तो सबसे पहले मैं अंडे की सफेदी और जर्दी को अलग अलग करूंगी। फ्रेंड्स, अब मैंने अंडे की सफेदी और जर्दी को अलग अलग कर ली है। अब सबसे पहले मैं सफेदी को अच्छे से मैश करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, अब मैंने सफेदी को अच्छे से मैश कर ली है। अब मैं इसमें जर्दी डालूंगी जो मैंने निकाल के रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी अच्छे से मैश करूंगी। दोनों चीज़ों को अच्छे से मैश कर लिए। अब इसमें हम डालेंगे मायोनीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सैंडविच बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ये सैंडविच। अब सबसे पहले हम ब्रेड के स्लाइस पे लगाएंगे मायोनीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर हम अंडे का जो मिक्सर बनाया वो रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख देंगे और बाकी के भी सैंडविच हम इसी तरह तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने बाकी के भी सैंडविच तैयार कर लिए और उसके किनारों को हमने काट लिए। अब हम इसको सेंटर से काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें फ्रेंड्स, अब हमारे सिंपल तरीके से बनने वाले सैंडविच रेडी हैं। ये देखें, बहुत ही जूसी ये सैंडविच बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।
when you want to get off that darkest ground.